ऑल राइट, सो हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो थी जो ड्यूक 390 वर्सेस RR 310, उसमें अच्छा खासा रिस्पांस दिखाया और बहुत लोगों का डिमांड था कि मैं डोमिनार 400 पे और RR 310 पे भी एक ड्रैग रेस लेके आऊँ। सो हियर वी गो, फाइनली आज हमारे पास डोमिनार BS6 है और वर्सेस अपाची RR BS4। तो आज दोनों को ड्रैग रेस करके देखेंगे। वैसे दोनों के पावर में थोड़ा डिफरेंस है, ये 310 cc है, ये 400 cc है। ये 40 BHP है, वो 34 BHP है। तो देखेंगे क्या होता है अभी रिज़ल्ट, और आई होप कुछ शॉकिंग रिज़ल्ट ही मिलेगा, क्योंकि एक फ़ायदा RR 310 को ये है कि वो एरोडायनामिक है और ये टूरर बाइक है। सो लेट्स गो, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। सो फाइनली ड्रैग रेस स्टार्ट हो रहा है अभी। सो 3 के काउंट पे तो एरोडायनामिक का अच्छा खासा फायदा। अच्छा खासा फायदा हुआ एरोडायनामिक का। पहले ही मैंने जब लॉन्च करने के टाइम में मैं आगे निकल गया था, सो उतना तो मेरे को था ही फायदा, क्योंकि एरोडायनामिक बाइक है तो ऑब्वियसली। और जैसे कि हमारी डोमिनार टूरर बाइक है तो दोनों में डिफरेंस तो ऑब्वियसली था। तो पहली रेस तो अपाची RR 310 ने ही मार ली। काफ़ी शॉकिंग रिजल्ट है ये तो, क्योंकि वो तो 400 cc की बाइक है। और ये है 310। नाइस, इम्प्रेसिव रिजल्ट था। तो अभी मैं करता हूँ बाइक चेंज, मैं चलाऊंगा अभी डोमिनार 400 और अभी वो प्रतीक भाई चलाएंगे RR 310। और इट्स ऑल अबाउट राइडर, बाइक के ऊपर पूरा डिपेंड नहीं रहता है, राइडर पे भी डिपेंड रहता है कि कैसे गियर शिफ्टिंग हो रही है, कैसा क्या हो रहा है। तो इक्वली बाइक पे और राइडर पे दोनों पे डिपेंड चीज़ है ये। सो चलो अभी बाइक एक्सचेंज करके देखते। क्या हुआ, लॉन्च में ये हो गया क्या? अच्छा, मेरे को लगा लॉन्च मेरा प्रॉपर हो गया या तेरा प्रॉपर नहीं हुआ, इसके लिए तेरा तू पहले ही पीछे निकल गया। आजा अभी ये तू ले ले, मैं वो ले लेता हूँ। सो अभी प्रतीक भाई चलाएंगे हमारे 310 और मैं चलाऊंगा डोमिनार। जैसे कि मैंने बोला था क्या, इट्स डिपेंड ऑन राइडर टू राइडर।
बट मेरे को एक बात ये नहीं समझी, डोमिनर 400 RR 310 से वेटेड बाइक है, ऑब्वियसली ये बाइक का वेट है, बट हाई स्पीड पे ये बाइक थोड़ी वॉबल देने लगी थी। वैसा RR 310 का सीन नहीं था, RR 310 एकदम प्रॉपर रोड, बोलते ना एकदम चिपक के चल रही थी रोड पे। ये पता नहीं ये मेरे साथ ऐसे हुआ है कि ये भाई से भी ऐसा ही होता है कि हाई स्पीड के ऊपर डोमिनर थोड़ी वॉबल देती है। तो एक बार पूछ लेता हूँ मैं उनसे। बाइक हाई स्पीड पे वॉबल करता है, वो करता है वॉबल। तो वही तो जैसे मैंने बोला था कि नेकेड बाइक होने की वजह से ये बाइक वॉबल कर रही थी हाई स्पीड पे। इसमें राइडर की गलती नहीं है, इसमें बाइक की भी गलती नहीं है, एक्चुअली बाइक बनी वैसी है। सो इसे हम बाइक को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि इतने हाई स्पीड 150 क्रॉस करने के बाद बाइक वॉबल करेगी क्योंकि नेकेड बाइक है वो। और जैसे कि RR 310 की बात की हम लोगों ने कि उसका एरोडायनामिक सब पूरा बॉडी एरोडायनामिक है, तो इसके लिए वो एकदम रोड को चिपक के चल रही थी। सो आप लोगों ने देखा रिजल्ट क्या, भले ही सीसी में फ़र्क हो तो भी RR 310 ईजिली डोमिनर को बीट कर सकती है। हाँ आई गेस टॉप एंड में नहीं कर पाएगी क्योंकि टॉप एंड इसका ज़्यादा है उससे। वैसे मेरे RR 310 भी 173 टच करती है मेरी, और ये तो ऑब्वियसली 180 तक चली जाती है, बट उसके लिए बहुत अच्छा खासा लॉन्ग रूट चाहिए, तब जाके बाइक इतना खींच पाएगी हमारी। सो दैट्स इट, आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और आपको समझ गया होगा दोनों के पावर रेशियो में क्या फ़र्क है और कौन सी बाइक कितना टफ देती है, नेकेड और एरोडायनामिक का क्या फ़ायदा है आप समझ गए अभी। सो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर आपको और कोई बाइक का ड्राइव रेस चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो सो मैं फ्यूचर में ज़रूर वो वीडियो लेके आऊँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दिस इज़ शहबाज साइनिंग ऑफ।